change, my different more, but I see yourself. Oh, who does to the second this guy leave? He never sue, he दर्द है, दम भी है, ऑल राइट गाइज। तो अभी आप लोग जिस वाली वीडियो को प्रीव्यू पे देख रहे हो गाइज, अगर आप भी कुछ इस टाइप की वीडियो को बनाना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को आप लोग शुरू से लेके पूरा लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आखिर कैसे आप लोग कुछ इस टाइप की वीडियो को बना सकते हो, वो भी काफी कम टाइम में। तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना। तो चलिए गाइज हम चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर और अपनी वीडियो एडिटिंग को बिना किसी देरी के सीखते हैं। ऑल राइट गाइज, तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने फोन की स्क्रीन पर और यहाँ पर गाइज मैंने जो है अपना VPN कनेक्ट करके यहाँ पर अपना कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। अगर आपके पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो जाके आप लोग मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही वहां से डाउनलोड करके आप अपना कैपकट एप्लीकेशन ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अभी सबसे पहले यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड गाइज आप लोगों को मैं टेलीग्राम पर एक 6 सेकंड की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उस वीडियो को डाउनलोड करके आप लोग यहां पर ऐड कर लेना। देख सकते हो ये कुछ इस तरीके की एक टेम्पलेट की तरह वीडियो है, ठीक है। वीडियो को ऐड करने के बाद सिंपल से इस वीडियो के एंड में आ जाना और यहां पे आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फोटोज पर चले जाना होगा और फोटोज पर जाने के बाद गाइज यहां पर आपको टोटल 10 फोटोज सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर देख सकते हो मेरे पास एग्जाम्पल के लिए कुछ फोटोज थे तो टोटल यहां पर मैंने 10 फोटोज सिलेक्ट कर लिया है। अभी सिंपल से यहां पर मैं ऐड पर क्लिक कर दूंगा। अब ऐड पर क्लिक करने के बाद सिंपल से यहां पर देख सकते हो हमारे पास जितने भी हमारे फोटोज थे वो सारे के सारे यहां पर आ चुके हैं। अभी गाइज यहां पर आपको ये देखना है कि जितने भी आपके फोटो फुल स्क्रीन पे नहीं है उन फोटो को क्लिक करके आपको फुल स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेना होगा यहां पर, जैसा कि देख सकते हो, ठीक है। तो ये फोटो को भी मैं एडजस्ट कर लेता हूं कुछ इस तरीके से एंड इसके आगे और देख लेते हैं, जो फोटो फुल स्क्रीन पर नहीं है उसको हम सेट कर देते हैं। तो सब फोटो अब हमारे फुल स्क्रीन पर है। और एक चीज गाइज, जो आप लोग इस वीडियो को प्रीव्यू पे देख रहे हो, इस वीडियो का ट्यूटोरियल मैंने बहुत दिन पहले आप लोगों के लिए बनाया था। स्टार्टिंग का ये वाला जो टेम्पलेट है उसको कैसे क्रिएट करना है उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप स्टार्टिंग का ये टेम्पलेट भी क्रिएट करना चाहते हो किसी अदर सॉन्ग पर बनाने के लिए तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन पे वीडियो मिल जाएगा, आपको चेकआउट कर लेना, बट इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद जाना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर और भी बहुत ही अच्छी अच्छी और न्यू चीजें बताऊंगा जिसमें आपको वीडियो एडिटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो बस आप ध्यान से देखते जाना, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर देख सकते हो हमारे फोटोज यहां पर आ चुके हैं। तो अभी जैसे ही हमारे फोटोज आ जाते हैं ना गाइज, सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो ड्यूरेशन में आपको बताने वाला हूं उन ड्यूरेशन में आपको अपने फोटो को सेट करना होगा। जैसे कि फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना और फर्स्ट फोटो का ड्यूरेशन जो है आपको रखना होगा 2.8 सेकंड, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं 2.8 सेकंड एंड सेकंड फोटो का जो ड्यूरेशन है इसको मैं रखूंगा 2.6 सेकंड, तो 2.6 कर देते हैं इसको। एंड थर्ड फोटो जो है इसका ड्यूरेशन हम रखेंगे 2.7 सेकंड, तो 2.7 कर देते हैं कुछ इस तरीके से। एंड इसके आगे वाला जो फोटो है इसको हम रखेंगे 2.8 सेकंड, तो 2.8 कर देते हैं इसको। एंड इसके आगे वाला जो फोटो है इसको हम रखेंगे 2.4 सेकंड, ठीक है, तो 2.4 कर देते हैं। एंड इसके आगे वाला जो फोटो है इसको हम रखेंगे 2.7 सेकंड, तो 2.7 इसको भी हम कर देते हैं। एंड इसके आगे वाला जो फोटो है इसको हम रखेंगे 3.2 सेकंड, ठीक है, तो 3.2 सेकंड कर देते हैं। एंड इसके आगे वाला जो फोटो है इसको हम रखेंगे 2.5 सेकंड, तो 2.5 सेकंड कर देते हैं। एंड इसके आगे वाला जो फोटो है इसको हम रखेंगे 2.4 सेकंड, ठीक है, तो 2.4 इसको हम कर देते हैं। एंड जो लास्ट वाला फोटो बच जाता है इसको हम रखेंगे 2.9 सेकंड, ठीक है, तो 2.9 सेकंड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको सारे फोटोज को जो ड्यूरेशन में आपको बताया हूं उस ड्यूरेशन में आपको सेट कर लेना होगा, ठीक है। जैसे ही आप सभी फोटो को ड्यूरेशन में सेट कर लेते हो अब आपको अपना ऑडियो ऐड करना होगा। तो ऑडियो ऐड करने के लिए स्टार्टिंग में आ जाना, ऐड ऑडियो पर क्लिक करना, एक्सट्रैक्टेड पर चले जाना और आपको मैं टेलीग्राम पर उस वीडियो को दे दूंगा जो आप लोगों ने प्रीव्यू पे देखा है, तो उसको डाउनलोड करके यहां पर उस वीडियो को सिलेक्ट करके इंपोर्ट साउंड ओनली पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहां पर देखो बिल्कुल परफेक्ट हमारा म्यूजिक यहां पर सेट हो चुका है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने अपना जो फोटो का ड्यूरेशन है उसको बिल्कुल एग्जैक्ट साइज पे सेट किया है, ठीक है। तो आप लोग एग्जैक्ट साइज पे जब सेट करोगे तो आपका भी सॉन्ग एकदम यहां पर फिक्स बैठेगा, ठीक है। तो अब जैसे ही आपका इतना हो जाता है तो अब मैं यहां पर इफेक्ट और एनिमेशन के बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो आपको फोटोज के
बीच में जो बॉक्स वाले आइकन्स दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट, तो किसी भी एक बॉक्स वाले आइकन पे क्लिक करना। और जैसे गाइज यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने इफेक्ट लोडिंग होगा। एंड मेक श्योर गाइज जब भी आप लोग कैपकट एप्लीकेशन यूज करते हो तो आप लोग अपना जो वीपीएन है उसको जरूर से कनेक्ट करके रखना, ठीक है। तो जैसे ही आपके सामने कुछ इस तरीके के इफेक्ट आ जाते हैं तो थोड़ा सा आगे जाना, और जैसे ही आगे जाओगे तो गाइज यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ब्लर इफेक्ट वाला यहाँ पर ऑप्शन। इस पर क्लिक करके इसका जो ड्यूरेशन है आपको 0.5 सेकंड करके सबसे नीचे कॉर्नर पर देख सकते हो अप्लाई टू ऑल का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो एक क्लिक में आपके सारे फोटोज के यहाँ पर देख सकते हो एंड में ये देख सकते हो ये ब्लर अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ये देख सकते हो, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, अपने फोटो में एनिमेशन देना है। तो एनिमेशन देने के लिए फोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है, एनिमेशन पर आना है। एनिमेशन पर आने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, इन आउट कॉम्बो। तो सिंपल से आपको कॉम्बो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गाइज यहाँ पर आप लोग कॉम्बो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जिस एनिमेशन का मैं आपको नाम बताने वाला हूँ उस एनिमेशन को आपको सारे फोटोज में अप्लाई करना है। तो उस एनिमेशन का नाम यहाँ पर देख सकते हो जूम वन। तो जूम वन वाला एनिमेशन आपको अपने सारे फोटोज में अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से, तो आप लोग आराम से अप्लाई करना, ठीक है। पर देख सकते हो कोई अदर एनिमेशन मत डाल देना, ठीक है, नहीं तो आपका जो वीडियो है बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जिस तरीके से देख सकते हो इस तरीके से ही आपको करना है यहां पर, ये देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने अपने सारे फोटो में एनिमेशन भी यहां पर डाल दिया है, यहां पर देख सकते हो, ठीक है। अभी एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही तगड़ी चीज जो आप लोगों को पता नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वीडियोज में सारे फोटोज का सेम कलर होता है, ठीक है। अब आप लोग सोचते होगा कि यार एक एक फोटो में हमको कलर एडजस्टमेंट करना होता होगा, बट ऐसा नहीं है। बस वीडियो को ध्यान से देखते जाओ, इस वीडियो के अंदर आपको मैं एक ऐसा निंजा टेक्निक बताऊंगा ना, आपके हर वीडियो एडिटिंग में आपको काम आएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही आपका ये इतना हो जाता है, अब आपको सबसे पहले यहां पर क्या करना है, आपको लिरिक्स लिखना है, ठीक है। तो लिरिक्स कैसे लिखना है, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, इससे पहले मैं सबसे फर्स्ट वाले फोटो के स्टार्टिंग में आ जाऊंगा एंड इस एरो पे क्लिक करके टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, एड टेक्स्ट पर जाऊंगा और यहां पर जो भी हमारा लिरिक्स है वो हम यहां पर टैप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम दर्द है, ठीक है, ये है मेरा लिरिक्स, ठीक है। तो हम दर्द है कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर लिख लिया। फॉन्ट पर आऊंगा, ऐड फॉन्ट पर जाऊंगा और यहां पर ये वाला जो फॉन्ट है आपको दिख रहा होगा, ये वाला फॉन्ट आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके आप लोग ऐड कर सकते हो अपने फॉन्ट को, ठीक है। फॉन्ट यहां पर सेलेक्ट करने के बाद यहां पर स्टाइल पर आना है और जो भी कलर यहां पर रखना चाहते हो रख सकते हो, मैं व्हाइट ही रखूंगा। और यहां से जो इसका साइज है, साइज को हम कर देंगे यहां पर ज्यादा नहीं 13% रखेंगे एंड इसको हम नीचे लेकर आएंगे, ठीक है। आप जहां पर भी अपने फॉन्ट को सेट करना चाहते हो कर सकते हो, बोले तो अपने लिरिक्स को, तो मैं यहां पर रखूंगा। एंड इतना करने के बाद अब डायरेक्ट आ जाना है आपको एनिमेशन वाले ऑप्शन पर, और एनिमेशन वाले ऑप्शन पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे जाना है, यहां पर मिल जाएगा आपको टैप टू का एक एनिमेशन। सिंपल से टैप टू वाले एनिमेशन पर क्लिक करके इसका जो ड्यूरेशन है 1.5 सेकंड रख कर इसको ओके कर देना और इसका जो लेंथ है आपको फर्स्ट फोटो तक ही रखना। तो देखो कुछ इस तरीके से यहां पर जो आपका एनिमेशन है वो बन जाएगा। अब आगे भी आपको सेम एनिमेशन देना है, ठीक है, और अलग लिरिक्स लिखना है, तो इसके लिए आपको बार बार एडिट पर नहीं जाना होगा, इस पर क्लिक करना है, यहां पर आपको कॉपी पे क्लिक करना है, इसको पकड़ के लेकर आना है यहां पर, ठीक है, और इसको यहां पर सबसे पहले सेट करना आप आगे वाले फोटो पे। अब यहां पर एडिट पे क्लिक करना है और इसको क्या करना है, आपको पूरा इसको कट करना है। अब कट करने के बाद आपका जो आगे का एनिमेशन है वो आप सॉरी आगे का जो लिरिक्स है वो आपको लिखना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जैसे कि यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से गाइज आपको भी अपना जो है लिरिक्स लिख लेना है, ठीक है, यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं है, ठीक है। अब फॉन्ट पर जाएंगे और ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करके स्टाइल पर जाएंगे और इसका जो ड्यूरेशन है आपको कितना रखना है 13%, ठीक है, एंड कुछ नहीं करना है आपको, एनिमेशन पर जाके देख लेना है सेम एनिमेशन लगा है, ओके ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर भी देखो ये देख सकते हो हमारा एनिमेशन लग चुका है लिरिक्स के साथ। अब इस पर क्लिक करके फिर से कॉपी करेंगे एंड सेम तरीके से बस आपको अपना म्यूजिक को यहां से प्ले करके सुन सुन के आपको अपना जो म्यूजिक है उसको लिखते जाना है, जो भी लिरिक्स है आपका, और बस इसी तरीके से धीरे धीरे करके आपको कंप्लीट फोटो में अपना जो लिरिक्स है उसको लिख लेना होगा। तो यहां पर मैं फटाफट से कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। ऑल राइट गाइज, तो यहां पर जैसा कि देख सकते हो एक एक करके मैंने जो है अपना सारा यहां पर लिरिक्स एनिमेशन दे दिया है यहां पर, जैसा कि देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब जैसे गाइज आपका इतना हो जाता है, अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक निंजा टेक्निक बताऊंगा, तो अभी आपको क्या करना है उस निंजा टेक्निक को अप्लाई करने के लिए, सिंपल से आपको आना है अपने फर्स्ट वाले स्टार्टिंग के फोटो पे, इस एरो पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आगे जाना है, यहां पर एक मिलेगा आपको फिल्टर का ऑप्शन, फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। और जैसे यहां पर आप लोग फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहां पर गाइज
आपके सामने बहुत सारे इफेक्ट शो हो जाएंगे, बोले तो फिल्टर शो हो जाएंगे, ठीक है, इफेक्ट नहीं। यहाँ पर आपको ग्रे ऑरेंज करके एक मिलेगा स्टार्टिंग में, इस फिल्टर को अप्लाई करके इसका जो ड्यूरेशन है आपको रख देना है 70% एंड इसको ओके करके इसकी जो लेंथ है पूरा वीडियो के एंड तक कर देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आपके जितने भी फोटो है ना, सारे फोटो का यहाँ पर देख सकते हो सेम कलर हो जाएगा। अब अगर मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, यहां से देखो बिफोर और ये आफ्टर, देखो बिफोर कुछ इस तरीके से, अब ये आफ्टर, आफ्टर कैसे आएगा, ये आ गया। अरे यार फिर से हमको डालना पड़ेगा, ये इफेक्ट बैक हो गया था। हाँ तो ओके कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है स्टार्टिंग से कर देंगे यहां से यहां, ठीक है, और इसको यहां से पूरा लास्ट तक, ठीक है। तो इस इफेक्ट को, इफेक्ट नहीं है भाई, फिल्टर है, इस फिल्टर को डालोगे ना तो आप लोगों को खुद ही फर्क दिख जाएगा। और भी बहुत सारे यहां पर फिल्टर्स मिल जाते हैं, आपको जो फिल्टर अच्छा लगे आपकी वीडियो में वो फिल्टर डाल देना। तो यहां पर जो आपका वीडियो है ना गाइस, बहुत ज्यादा एस्थेटिक सा देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत ही यूनिक देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो के अंदर फिल्टर डाल के अपने वीडियो को कलर कर सकते हो, ठीक है। आपको एनिमेशन नहीं, अरे यार मैं क्या बोले जा रहा हूं, एडजस्टमेंट में जाके आपको कलर वगैरह मैनेज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां पर आना। अब अगर थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करना है तो यहां पर एडजस्टमेंट पे आके यहां पर मिल जाते हैं आपको, तो इस इफेक्ट को आप कर सकते हो एडजस्टमेंट, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहां पर देख सकते हो फिलहाल हमारी जो वीडियो है वो तो कंप्लीट हो चुकी है, बट यहां पर फ्लिकर इफेक्ट हमारा नहीं है, तो इसकी वजह से हमारी जो वीडियो है उतनी खास लग नहीं रही है। तो अभी क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग में आएंगे और इस एरो पे क्लिक करके यहां पर जाएंगे हम कहां पे, इफेक्ट वाला ऑप्शन पे, ठीक है। तो इफेक्ट पर जाएंगे, एड वीडियो इफेक्ट पर जाएंगे। वीडियो इफेक्ट पर जाने के बाद गाइस यहां पर आपके सामने यहां पर बहुत सारे इफेक्ट शो हो जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आना यहां पर, और यहां पर गाइस आपको मिलेगा ब्लैक फ्लैश 2 का एक ऑप्शन, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके इसको ओके करना, और यहां से एडजस्टमेंट पे आके इसका जो स्पीड है, स्पीड को आप रख देना 50% रख देना, ठीक है, और इंटेंसिटी को आप ज्यादा नहीं, इसको 10% रखना, एंड इसको ओके करके इसकी जो लेंथ है पूरा वीडियो के एंड तक कर देना। और बस अब यहां पर जो हमारी वीडियो है ना गाइस वो कंप्लीटली रेडी हो चुकी है। सो अभी अगर मैं आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो यहां पर गाइस आप लोग वीडियो देखना कितनी धांसू बन चुकी है, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइस आप लोग कुछ इस टाइप की वीडियो को बना सकते हो, यहां पर देख सकते हो बहुत ही तगड़ी यहां पर हमारी जो वीडियो है वो बन के रेडी हो चुकी है। वैसे आप लोगों ने जिस वीडियो को प्रीव्यू पे देखा वो लाइट मोशन का ट्यूटोरियल था, बट यार मैं यहां पर कैपकट के अंदर इस वीडियो का ट्यूटोरियल आपको दिया हूं। तो कैसा लगा आपको कैपकट के अंदर ये ट्यूटोरियल, मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। एंड अगर आपको अलाइट मोशन के अंदर भी इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे को इसके लिए भी कमेंट करके बता देना, बहुत जल्द इसका ट्यूटोरियल मैं अलाइट मोशन के अंदर भी लेकर आप लोगों के लिए आ जाऊंगा। एंड आपको म्यूजिक सुनाई नहीं देता होगा, बिकॉज कॉपीराइट प्रॉब्लम की वजह से मैंने म्यूजिक को बंद कर रखा है। बाकी इस वीडियो को आप अगर आप म्यूजिक के साथ देखना चाहते हो तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जाके वहां से आप लोग इस वीडियो को वॉच कर सकते हो विथ म्यूजिक। बहुत ही तगड़ी वीडियो यहां पर बन के रेडी हुई है, ठीक है। अब इस वीडियो को जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है आप सेव करना है, तो सिंपल से यहां पर सबसे पहले अपना रेशियो वगैरह देखकर इस एरो पे क्लिक कर देना, और ये जो वीडियो है गाइस आपकी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस किसी ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।